हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हमारे पास करंट स्टॉक है उसको हम कैसे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करें और किसी को भी हम इजीली उसको सेंड कर सकें। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है स्टॉक के मेनू में और करंट स्टॉक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप करंट स्टॉक पे क्लिक कर देंगे तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है और आप उसी का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं पीडीएफ जो जो आपके पास स्टॉक अवेलेबल है। तो इसके लिए हम यहाँ से अपने कीबोर्ड से F10 की प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F10 की प्रेस करेंगे तो आपके पास वही स्टॉक आपको शो होगा जो अवेलेबल है आपके स्टोर में। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपल सा मेथड है। जब आप ये कर लेंगे तो यहाँ पे आपको Alt+P प्रेस करना है। जैसे ही मैंने Alt+P किया तो स्टॉक स्टेटमेंट और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। आपको जो एंटर करना है स्टॉक स्टेटमेंट पे ही एंटर करना है, यानी कि सबसे पहले वाले ऑप्शन पे। उसके बाद आपको यहाँ पर भी एंटर एंटर कर देना है और आप यहाँ पर भी व्यू पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपको क्या, ये जितने भी स्टॉक हैं आपको दिख गए कि ये स्टॉक हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना है पीडीएफ। जैसे बॉटम साइड में आप देख रहे हैं, बॉटम साइड में आपको पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा है। पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर भी पीडीएफ पे एंटर कर देंगे। जैसे ही आप पीडीएफ पे एंटर कर देंगे तो पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। एक्सपोर्ट आपका कंप्लीट हो चुका है और पीडीएफ ओपन हो चुका है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करना है। जैसे और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीडीएफ यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है। इसके बाद का जो स्टेप है वो ये है कि आप अपनी फाइल में जाएं और यहाँ पे सेव एज कर दें। जैसे आप सेव एज पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि ये पीडीएफ आपको कहाँ पे सेव करना है। उसके बाद ये पूछता है लोकेशन कि ये जो फाइल है आपको कहाँ सेव करना है। जैसे कि आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप पे आप क्लिक कर देंगे। मुझे जैसे कि डॉक्यूमेंट में ही सेव करना है तो मैंने डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रखा है पहले से और मैं इसको यहाँ पे नाम दे देता हूँ और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। जैसे आप इसको सेव कर दें उसके बाद आप अपने पीडीएफ के व्यूअर को क्लोज कर दें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट में जो है स्टॉक पीडीएफ के नाम से सेव किया था, ये सेव हो चुका है। अब आप इसी फाइल को जो है व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ईमेल पे भेज सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आप वेब व्हाट्सएप को लॉगिन कर लें और वेब व्हाट्सएप को लॉगिन करने के बाद अटैच डॉक्यूमेंट कर दीजिए जिसको भी आपको शेयर करना है। और यदि ईमेल करना है तो ईमेल ओपन करके कंपोज करके ईमेल में अपलोड कर दीजिए। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा क्लियरली कि कैसे हमें स्टॉक पीडीएफ को बनाना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।